तो हमीरपुर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल डाटा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। फैक्ट्स ये सारे, ठीक है, और ये सारे सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो टोटल एरिया है जो है हमीरपुर का, वो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। एल्टीट्यूड जो है 786 मीटर्स। पॉपुलेशन डेंसिटी 406। सेक्स रेशो 1096। टोटल यहाँ पे जितने गांव हैं कितने हैं, 1672। चाइल्ड सेक्स रेशो 881। लिटरेसी रेट हाईएस्ट 89.01%। डिकेडल ग्रोथ 10.08%। ग्राम पंचायत यहाँ पे 239 हैं, ठीक है। और ये 2% है हिमाचल का टोटल जो पार्ट है, ठीक है, दैट इज 2% पूरे हिमाचल का हमीरपुर जो है, ठीक है। और एचपी सबोर्डिनेट बोर्ड पक्का बड़ोगी जो आप एग्जामिनेशन देते ना एसपी सबोर्डिनेट बोर्ड के, वो कहाँ पे है, पक्का बड़ोगी, ठीक है। देन हर्बल गार्डन है नेरी में, वेरी इंपॉर्टेंट हर्बल गार्डन नेरी, ठीक है। देन बर्थ प्लेस ऑफ यशपाल भी धूमपल है, ठीक है। अच्छा, 1793 में संसार चंद ने गौरी शंकर टेम्पल बनवाया था, संसार चंद ने गौरी शंकर टेम्पल बनवाया था। 1823 में संसार चंद ने नर्वदेश्वर टेम्पल बनवाया था, नर्वदेश्वर टेम्पल, ठीक है जी। 1687 में नदौड़ में, हमीरपुर के नदौड़ में गुरु गोविंद सिंह जी और भीमचंद जी मुगलों के साथ लड़ते हैं और मुगलों को हरा देते हैं, कहाँ पे हुई थी लड़ाई, नदौड़ में, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे थ्री रेंजेस हैं, ठीक है, थ्री रेंजेस, एक है झाकदार, कालीधार और सोलह सिंगी धार, ठीक है। तो जो झाकदार है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से क्या है कि हमीरपुर की तरफ एंटर करती है थ्रू नदौड़, ठीक है। और जो हमीरपुर है ये झाकदार की ईस्ट की तरफ को पड़ता है, ठीक है। यानी एक कालीधार है और सोलह सिंगी धार। जो सोलह सिंगी धार है वो हमीरपुर की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, ठीक है। और ऊना में इस रेंज को चिंतपूर्णी धार या चिंतपूर्णी रेंज और जसवान धार बोलते हैं, है ना। और हमीरपुर में इसको सोलह सिंगी धार बोलते हैं, ठीक है जी। देन ब्यास नदी जो है वो हमीरपुर को कांगड़ा से सेपरेट करती है, ठीक है। वैसे ही सीरखंड जो है हमीरपुर को मंडी से सेपरेट करती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेन स्ट्रीम्स हैं या खड्डे बोल दो या नदियां बोल दो छोटी छोटी, वो है कुछ जैसे कि बेकार खंड, पुंग, सुंदरन, कुना, ठीक है, हथली और मान, ठीक है। ये किसको ड्रेन करती है, ये कहाँ पे मिलती है जाके, सारी की सारी ब्यास नदी में मिलती है। अच्छा, यहाँ पे आपने ब्यास नदी में पढ़ा था कि कुना और मान ब्यास की ट्राइब्यूटरीज हैं साउथ की तरफ से, ठीक है। देन दो नदियां ऐसी हैं शुकरखंड और मुंधार खंड, ठीक है। ये कहाँ मिलती है, सीरखंड में मिलती है, सीरखंड में। और सीरखंड लेटर ऑन कहाँ मिलती है, सतलुज रिवर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डाटा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस जो फर्स्ट टाइम बना था वो 1972 में बना था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इनकम डेमोन्स्ट्रेशन और कार्ड्स हैं, जैसे कि भूमपल में जो कि नदौड़ डिस्ट्रिक्ट तहसील में आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी है जो भोरंज तहसील में, नाम क्या, बदियाना में 1979 में बना हुआ, बदियाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन एचपी मिल्कफेड वालों का यहाँ पे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी है जिसकी कैपेसिटी 500 लीटर पर डे है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, जंगल वैली में, जंगल वैली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे शीप ब्रीडिंग फार्म है ताल में, शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे, ताल में, इंपॉर्टेंट है। मिल्क चिलिंग प्लांट है जलारी में, ठीक है। रूरल ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट है नदौड़ में। वीविंग फिटिंग शॉल प्रोड्यूसिंग सेंटर है हमीरपुर और दुर्गा में। कार्पेट वीविंग ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर है लामलू एंड खरड़ में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और है ठाकुर जगदेव चंद रिसर्च सेंटर, ठाकुर जगदेव चंद रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, नेरी में, नेरी में आपने ये भी पढ़ा था कि हर्बल गार्डन, ठीक है जी। देन यहाँ पे पांच ट्रेनिंग सेंटर है उदयपुर में, झंकार में, जलारी में, गर्मी में और कंचियार में, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमीरपुर में इम्पोर्टेंट कुछ प्लेसेस है जैसे कि सुजान कुटीरा, ठीक है। सुजान कुटीरा जो है वो ब्यास नदी के किनारे पे है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी, राजा अभय चंद ने, अभय चंद ने, इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है 1748 में, ठीक है। और अभयचंद जी जो थे वो कटोच डायनेस्टी के रूलिंग किंग थे कांगड़ा के, ठीक है, कटोच डायनेस्टी से रूलिंग किंग थे कांगड़ा के, ठीक है। अच्छा सुजानपुर टीर में एक टूम है वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी है नवाब गुलाम मोहम्मद, नवाब गुलाम मोहम्मद जो कि रामपुर से है, ठीक है जी। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ मंदिर है, जैसे कि टेम्पल गौरी शंकर का मंदिर है जो कि राजा संसार चंद ने 1793 में बनवाया था। देन मुरली मनोहर और नर्मदेश्वर टेम्पल है जो कि संसार चंद की सुकेती रानी थी, संसार चंद की सुकेती रानी जिनका नाम है पराशनी देवी, उन्होंने बनवाया था। देन महादेव टेम्पल है इंपॉर्टेंट। देन वैशेश्वर टेम्पल जो कि व्यास ऋषि के लिए डेडिकेटेड है। देन यहाँ पे ओब्रिंस होर्स ग्रेव भी है जो कि कमांडर थे राजा संसार चंद के, ओब्रिंस होर्स ग्रेव क्योंकि कमांडर थे राजा संसार चंद के। देन ये जो सुजानपुर टीरा की जो टेरिटरी है, ये फर्स्ट जो फॉरनर जिन्होंने विजिट की थी वो थे एक जर्मन थे जिनका नाम था ट्रेवेक, जर्मन थे ट्रेवेक, और जो फर्स्ट ब्रिटिशर थे दैट इज मूरक्राफ्ट, मूरक्राफ्ट, ठीक है। देन जो सुजानपुर टीरा तो किसने स्थापना की थी, अभयचंद ने, लेकिन जो सुजानपुर सिटी है, जो सिटी है वो घमंडचंद ने की थी 1761 में, घमंडचंद सुजानपुर सिटी, ठीक है। देन द्योटशिर आपको पता है कि बाबा बालकनाथ जी के लिए फेमस है, और बाबा बालकनाथ जो टेंपल है वो धौलगिरी हिल्स में जो कि द्योटशिर धार रेंज के मतलब की पार्ट है शिवालिक्स में, ठीक है। और इस टेंपल के जो बॉर्डर में हमीरपुर पड़ता है और बिलासपुर पड़ता है, ठीक है। और श्री बाबा बालकनाथ जी कौन थे, स्पिरिचुअल रिफॉर्मर थे शक्ति मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। देन एक और इम्पोर्टेंट प्लेस है भोटा, भोटा, ठीक है, यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग व्यास करके इस तरह से इसलिए ये फेमस है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्लेस है दैट इज मार्केंडा, मार्केंडा, मार्केंडा जो है ऑन द बैंक ऑफ कुनाखड़, कुनाखड़ आपने पढ़ा था रिवर व्यास की सदरन ट्राइब्यूटरी, ठीक है। और इट इज अ प्लेस ऑफ मार्केंडे ऋषि, ठीक है, यहाँ पे मार्केंडे ऋषि रहते थे, यहाँ पे नेचुरल वाटर स्प्रिंग भी है, ठीक है। और देन यहाँ पे एक फेयर होता है जिसको मार्केंडा फेयर बोलते हैं, ठीक है, कब होता है 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन। देन उसके बाद नदौन, नदौन जो था प्रिंसली डेज में क्या था, नदौन जागीर था, ठीक है, हेडक्वार्टर था यहाँ पे, ठीक है। संसार चंद यहाँ पे गर्मियों में अपनी कोट लगाते थे, ठीक है। यहाँ पे ब्लिकेश्वर महादेव टेम्पल है वो पांडवों ने बनवाया था, ठीक है, ब्लिकेश्वर टेम्पल जो कि पांडवों ने बनवाया था। देन यहाँ पे एक गुरुद्वारा बनाया था 1929 AD में। देन यहाँ पे एक गुलाम मोइनुद्दीन थे, उन्होंने तारीख पंजाब लिखी थी, उसमें लिखा था आए नदौन तो जाया को, इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट है कि हमीरपुर में कुछ मेले होते हैं जैसे कि गसोटा महादेव, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे मेला होता है गसोटा महादेव। देन सुजानपुर टीरा की आपको पता है होली बड़ी फेमस है सुजानपुर की, बाबा देव सिंह फेयर भी होता है, गसिया फेयर, आवा देवी फेयर, जनियारी फेयर, पिपलूरा मेला, ठीक है। देन लदरोर में सैर फेयर होता है, सैर लदरोर में, ठीक है, ये कहाँ पे है, भोटा और जाहोर रोड पे होता है ये, ठीक है। और ये जो लदरोर है फेमस किस लिए, संतोषी माता टेम्पल के लिए, ठीक है, उसका जो हिट टॉप है उसको पहले तूरीरा हरीड़ा भी बोलते थे, तूरीरा हरीड़ा, हरीड़ा, ठीक है। एक बग्घी मेला और मार्केंडा फेयर, जो मार्केंडा प्लेस देखा था आपने इंपॉर्टेंट प्लेसेस में, मार्केंडा फेयर लगता है वहां पे, ठीक है। देन उसके बाद बैसाखी वाले, बैसाखी का जो मेला होता है उसको बसुआ फेस्टिवल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस दिन क्या लोग गसोटा और मार्केंडा में मतलब कि स्नान करते हैं, ठीक है। देन हमीरपुर में कैटल फेयर होते हैं 3 जगह, जाहू, चकमो और धिरार में, ठीक है। जाहू में जो कैटल फेयर होता है वो सैर वाले दिन होता है, जाहू में जो मेला होता है वो सैर वाले दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ हमीरपुर, ठीक है। तो
यहाँ पे कटोच डायनेस्टी रूल करते थे बिटवीन रावी और सतलुज का जितना एरिया वहां पे कटोच डायनेस्टी, ठीक है। तो महाभारत के टाइम में जो हमीरपुर था वो जलंधर और त्रिगर्त का जो था पार्ट था, ठीक है। पाणिनी ने यहाँ के लोगों को क्या बोला, वॉरियर एंड फाइटर्स, ठीक है। पाणिनी ने अपने बुक में लिखा था कि हमीरपुर के जो लोग हैं वॉरियर्स हैं, फाइटर्स हैं। एंशियंट पीरियड में गुप्ताओं के अंदर था ये, ठीक है। धन मेडिवल पीरियड में क्या है, गजनी के अंडर भी रहा, तैमूर लंग के अंडर भी रहा, कुछ मुगल नवाबों ने भी यहाँ पे मतलब कि अपना राज चलाया। धन लेटर कुछ सुल्तान जाएंगे, ठीक है। तो जो मेन बंदा था वो था हमीरपुर, ठीक है। तो उसके टाइम पे क्या होता था कि ये राणा के अंडर था, जैसे राणा ऑफ मेवा, राणा ऑफ महलका, दतवाल के अंडर भी रहा, ठीक है। तो जो हमीरचंद था उसने 47 सालों के लिए मतलब यहाँ पे राज किया, 1700 से लेके 1747 अभी तक, ठीक है। और उसने हमीरपुर फोर्ट भी बनवाया था 1743 में, ठीक है। देन मतलब कि हमीरपुर जो लाइन लाइफ में आया वो आया ड्यूरिंग संसार चंद के टाइम पे हमीरपुर लाइन लाइफ में आएगा, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया कि सुजानपुर डेरा को कैपिटल बना दिया, सुजानपुर डेरा को कैपिटल बना दिया और यहाँ पे पैलेसेज और मंदिर जैसी चीजें बनवा देगा, ठीक है। संसार चंद ने भी 48 सालों के लिए यहाँ पे राज किया, 1774 से 1823 तक, ठीक है। इस टाइम पे इसने क्या किया कि मंडी पे अटैक कर दिया, ठीक है। और मंडी का जो राजा था ईश्वर सेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि ईश्वर सेन उसको 12 साल के लिए नदौन में उसने प्रिजनर बना दिया, नदौन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नदौन में उसने क्या किया, ईश्वर सेन को प्रिजनर बना दिया, ठीक है। और कुछ हिस्से जैसे कि बिलासपुर के, आपने जब बिलासपुर की हिस्ट्री पढ़ी थी वहां पे भी संसार चंद ने क्या किया था कि कुछ हिस्सों पे उसने मतलब कि अपना कब्जा कर लिया था। देन वो अमर सिंह थापा को बुलाया था महल मोरिया में जो हमीरपुर में लड़ाई हुई थी वहीं पे, मतलब कि इसको भी छुड़ाएंगे ईश्वर सेन को भी, है ना। और वहां पे फिर देन क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ जो ये पार्ट्स ऑफ बिलासपुर की बात कर रहा हूँ मैं, ये यही वाले थे, उसी टाइम की बात है, ठीक है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमीरचंद जो था कटोच डायनेस्टी का राजा था, इसके टाइम पे क्या होता था कि राणाज यहाँ पे मतलब कि मेवा महाटा ददवाल, ठीक है, इसने 47 सालों के लिए मतलब यहाँ पे रूल किया 1700 से लेकर 1747 AD तक, और इसने हमीरपुर फोर्ट बनवाया 1743, ठीक है। तो ये लाइन लाइट में कब आएगा, ड्यूरिंग संसार चंद, ठीक है। इसने क्या किया, सुजान संसार चंद ने क्या किया कि सुजानपुर डेरा को कैपिटल बनाया, ठीक है, यहाँ पे टेम्पल्स पैलेसेस वगैरह बनवाएगा, ठीक है। तो संसार चंद जो था उसने 48 सालों के लिए यहाँ पे रूल किया, ठीक है, 1774 से 1823 तक, ठीक है। तो उसने क्या किया कि मंडी पे अटैक किया और मंडी का जो राजा था ईश्वर सेन उसको नदौन में 12 सालों के लिए क्या किया, जेल में डाल दिया नदौन में, ठीक है। और इसने कुछ बिलासपुर के हिस्सों पे भी मतलब कि कब्जा कर लिया था, जैसे फोर्ट वगैरह बनवा दिया था, ठीक है। देन क्या होता है कि जितने भी हिल चीफ्स थे वो क्या करेंगे कि इनवाइट करेंगे गुरखाओं को, और गुरखाओं की और इनकी हिल चीफ्स की कंबाइंड फोर्सेस संसार चंद के साथ महलमोरिया में लड़ेगी हमीरपुर में, और कब इनवाइट किया था 1806 में, ठीक है। और देन क्या होगा कि संसार चंद इस लड़ाई में हार जाएगा। देन संसार चंद क्या करेगा, महाराजा रणजीत सिंह को इनवाइट करेगा, उनसे हेल्प मांगेगा, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह 1809 में गुरखाम को हरा देंगे, और इसके बदले में संसार चंद क्या उसको कांगड़ा फोर्ट और 66 villages दे देगा, ठीक है। देन उसके बाद जो ये सिख थे, सिख 1846 तक रहे, ठीक है, यहाँ पे। देन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो है सिखों को हरा देते हैं। देन ब्रिटिशर्स के करते कांगड़ा को जिला बना देते हैं, और इस जिले में क्या क्या मतलब एरिया आ जाएंगे, हमीरपुर के कुल्लू के और लाहौल के, ठीक है, एरियाज आ जाएंगे। देन क्या होता है कि नदौन को 1868 में क्या बना दिया जाता है, तहसील हेडक्वार्टर। लेटर ऑन ये तहसील हेडक्वार्टर जो है शिफ्ट कर दिया जाता है हमीरपुर, ठीक है। देन 1888 में क्या होता है कि पालमपुर तहसील बनाई जाती है बाय मर्जिंग हमीरपुर एंड कांगड़ा, ठीक है। नदौन जो था वो कांगड़ा की अपने प्रिंसल स्टेट का पार्ट था, ठीक है। और जो नदौन जागीर थी संसार चंद के बाद जिसको राजा सर जोधवीर चंद को दे दी जाती है, और देन उसके बाद प्रबुद्ध चंद उनके जो ग्रैंडसन है वो, ठीक है। अच्छा, एक बुल्ले शाह थे जिन्होंने कि नदौन को बोला था कि नदौन एज अ सिटी ऑफ इनोसेंट
और उनकी फेमस सेइंग भी थी कि आए न दोन तो जाए कौन, आए न दोन तो जाए कौन, ठीक है। देन 1 नवंबर 1966 तक जो हमीरपुर था वो पंजाब प्रोविंस का पार्ट था। 1 नवंबर 1966 तक क्या था, हमीरपुर जो था पंजाब प्रोविंस का पार्ट था, ठीक है। देन 1972 में 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है विद टू तहसील्स। तहसील्स कौन कौन सी थी, हमीरपुर और बड़सर, बड़सर, ठीक है। देन 1980 में 3 और तहसीलें ऐड कर दी जाती है जैसे कि सुजानपुर, नदौन और भोरंज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ हमीरपुर। थैंक यू।